सरकार ने 500 कोविड बेड दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और अलॉट किए हैं, जिसमें 110 आईसीयू बेड भी शामिल है। इसी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 685 कोविड बेड बढ़ाए गए हैं, तो कुल मिलाकर कल 1185 बेड्स हॉस्पिटल्स में और बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ जो दिल्ली सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड बेड 80% आईसीयू के बेड रिजर्व किए थे, जिसको हाई कोर्ट ने रोक दिया था ऑर्डर को, उसके लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, एसएलपी दायर की है। सर, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि केसेस और ज्यादा भी पीक और ज्यादा ये आ सकता है, क्योंकि अभी पिछले नहीं देखिएगा, हमें जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, पिछले 8 महीने का एक्सपीरियंस है, तीसरा पीक चल रहा है। फर्स्ट पीक जून में आया था, 23 जून को, सेकेंड पीक 17 सितंबर को, और थर्ड पीक मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि जो 7,000 आज जो 7,000 का हम कह रहे हैं, ये शायद ये पीक ही होना चाहिए, इसके बाद डिक्लाइन जाना चाहिए। कभी भी लगातार 5-6 दिन से जब भी पीक आया, 5-6 दिन के बाद वो डाउन गया, तो 4-5-6 दिन लगातार बहुत आ ही रहा है, तो मुझे लगता है कि ये शायद कम होने चाहिए। सर, आपने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने जा रही है, कर चुकी है, तो सर कब तक ये मतलब कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि आईसीयू बेड की भी क्रंचेस आ रहे हैं और 7,000। पहले तो आप ही लोग इसका विरोध करते थे हमारा, हम जो भी काम करें कि आपने आईसीयू बेड क्यों कर दिए हैं, आज आप पूछ रहे हैं। देखो, हमने तो करे थे ना, हमने 80% बेड रिजर्व किए थे और हाई कोर्ट ने उनको रोक दिया था। सर, अभी तक जो पीक देखे हैं उनमें भी इतने मामले नहीं गए थे, तो क्या ये त्योहारों का वजह या अनलॉक देखेगा, कई सारी चीजें हैं, देखो एक साथ इकट्ठा है कि अनलॉक भी हुआ है, त्योहारों का सीजन भी है, लोगों को फटीक भी है, बहुत महीनों हो गए हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं कि भाई वो कहते हैं नहीं, मार्केट में शॉपिंग करने जाना ही है, बहुत भीड़ भाड़ भी हो रही है कई जगह पर, तो सारी चीज़ों का इकट्ठा है, तो उसकी वजह से स्पर्ट आया है। परंतु लोगों से मैं अपील करूंगा कि जब तक वैक्सीन ना मिले, अपने मास्क को ही वैक्सीन माने और मास्क जरूर लगाएं, अगर मास्क लगाएंगे तो इससे बच सकते हैं। सर, पॉल्यूशन भी एक कारण हो सकता है इसका? नहीं, पॉल्यूशन कोविड का कारण नहीं है, परंतु हाँ, पॉल्यूशन और कोविड अगर दोनों हैं तो दोनों ही खतरनाक है। सर, पार्लियामेंट्री पैनल में जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उन्होंने ये कहा है कि जो एयर पोल्यूशन है वो कोविड को बढ़ा सकता है, ये बात कही गई है कल, तो क्या इसको क्या? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि देखो, बढ़ा सकने को तो अपना हमारा बिहेवियर है सबसे ज्यादा, तो अगर हम अप्रोप्रिएट बिहेव नहीं करेंगे, हम मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ा कारण तो वही है। अगर हम मास्क लगाते हैं तो उसको रोक सकते हैं। सर, कोरोना से मौत को लेकर आपने जैसे बीते दिन कहा भी था कि 17वें नंबर पे पूरे मामलों में दिल्ली है, लेकिन जिस तरह से डेटा रोज बढ़ रहे हैं, 64, 66, तो कहीं ना कहीं देखिएगा, दिल्ली के अंदर ना देखो 0.80 यानी 1% से भी कम डेथ हैं पिछले 10 दिन का अगर एवरेज दिया जाए, आज भी 0.8% है, कल भी 0.8% था, ओवरऑल डेथ जो शुरुआत से लेकर अभी तक है वो 1.61 है। देश के सभी बड़े शहरों में, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, दिल्ली, जितने भी शहर हैं, 17वें नंबर शहरों में आता है, दिल्ली की डेथ रेशो उनसे कम है। लेकिन जब 30-40 मौतें हो रही थी, दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई थी, चाहता था कि उसे और कम किया। बिल्कुल, कमेटी अभी भी है, जा रही है, हर जगह विजिट कर रही है, सारे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल चेक किए जा रहे हैं। सर, बेड्स बढ़ाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं, लेकिन क्या अभी आगे आने वाले समय में और लगता है आवश्यकता पड़ेगी तो देखो, आईसीयू का तो मैंने बता दिया, आईसीयू हमने बढ़ाए थे, उसको कोर्ट ने स्टे कर दिया, रोक दिया है, अभी उसको बढ़ा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। हमने आदेश 10 सितंबर को आदेश दिए थे कि दिल्ली के अंदर उससे 1200-1300 बेड बढ़ जाते हैं, सितंबर के महीने में ही हमने 1500 बेड बढ़ाए थे, आज दिल्ली के अंदर 3200 आईसीयू बेड्स हैं, अगर वो 1200 बेड्स और बढ़ जाते तो आईसीयू बिल्कुल ही काफ़ी अवेलेबिलिटी रहती। अभी भी सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स काफ़ी अवेलेबल हैं, पर काफ़ी सारे लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं, दिल्ली से बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो एफ्लुएंट क्लास हैं, तो वो भी सब प्राइवेट में जाना चाहते हैं, इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ अस्पतालों में दिक्कत है। सर, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता है तो क्या व्यवस्था अपनी तरफ से कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि केसेस तो बढ़ गए हैं? हमने तो व्यवस्था कर दी थी ना, अब कोर्ट ने रोक दिया। सर, अब व्यवस्था नहीं है तो अगर जरूरत पड़ रही है तो मैं बता रहा, कोर्ट के पास गए हैं, हमारे पास फैसला, उस फैसले को चैलेंज हमने सुप्रीम कोर्ट में किया है, अब कोर्ट के आदेश के खिलाफ तो हम नहीं कह सकते ना, हमने व्यवस्था कर दी है।